चला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिन्ने चिंगारी। चला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिन्ने चिंगारी। जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर, लिए बिना गर्दन का मुंह। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। काल के कपाल पर कुछ लोग होते हैं जो अपने नामों को अमित अक्षरों से लिख जाते हैं। ऐसे ही महान लोगों की श्रेणी में देश के हजारों हजार अनाम स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की स्वाधीनता के लिए अपना प्राण न्योछावर कर दिया। आज ज्ञान सागर परिवार उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिनके कारण भारत का तिरंगा झंडा आज शान से लहरा रहा है और समस्त देशवासियों को देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। मिल जाते हैं रास्ते अक्सर अगर चलने का जज्बा हो, मिल जाते हैं रास्ते अक्सर अगर चलने का जज्बा हो, मंजिल चूमती है कदम आपके अगर पाने का हौसला हो। देश की आजादी के इन 75 सालों में हमने कई उपलब्धियां और कीर्तिमान स्थापित किए हैं, कई सफलताओं के झंडे गाड़े हैं और कई मुश्किलों का भी डटकर सामना किया है, जिनका योगदान भारत की विकास गाथा में हमेशा रहेगा। इस विकास गाथा के कुछ चंद पन्ने हम आप सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। 1950 इंडिया बिकम्स रिपब्लिक। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र देश के रूप में बदला। इसी दिन देश में संविधान लागू हुआ, देश के सारे काम संविधान के हिसाब से लागू हुए। 1951 फर्स्ट IIT कॉलेज। 1947 में देश के आजाद होने के बाद उच्च शिक्षा वाले तकनीकी कॉलेजों की जरूरत थी, इसीलिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT की तर्ज पर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने बंगाल के मुख्यमंत्री BC राय के सुझाव पर इसकी नींव 1950 में खड़गपुर में रखी। एक साल के बाद ही इसकी शुरुआत भी की गई, फिर संसद में IIT खड़गपुर एक्ट पास करके इस पर मुहर लगा दी गई। IIT खड़गपुर के बाद 1958 में मुंबई, 1959 में मद्रास और कानपुर में भी IIT के कैंपस खोले गए। 1961 में दिल्ली में भी IIT का कैंपस खोला गया। हालांकि अब भारत में IIT की संख्या 23 हो चुकी है। 1954 फॉर्मेशन ऑफ BARC। भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ। 6 जनवरी 1954 को परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा परमाणु ऊर्जा संस्थान यानी AEET के नाम से आरंभ हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 20 जनवरी 1957 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसके बाद परमाणु ऊर्जा संस्थान को पुनर्निर्मित कर 12 जनवरी 1967 को इसका नया नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किया गया, जो कि 24 जनवरी 1966 में डॉक्टर भाभा की विमान दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के लिए एक विनम्र श्रद्धांजलि थी। BARC व्यापक रूप से एक बहुविषयक अनुसंधान केंद्र है। यह परमाणु विज्ञान, रासायनिक इंजीनियरिंग, सामग्री विज्ञान और धातु विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जीव विज्ञान और चिकित्सा, सुपर कंप्यूटिंग, उच्च ऊर्जा भौतिकी और प्लाज्मा भौतिकी के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करने वाले उन्नत अनुसंधान और विकास के लिए एक बुनियादी ढांचा है और भारतीय परमाणु कार्यक्रम और संबंधित क्षेत्र के लिए एक संबद्ध अनुसंधान है। 1958 फॉर्मेशन ऑफ DRDO। बलस्य मूलम विज्ञानम। शक्ति का स्रोत ही विज्ञान है और शांति और युद्ध में राष्ट्र को संचालित करता है। DRDO का गठन 1958 में भारतीय सेना के तत्कालीन पहले से चल रहे तकनीकी विकास प्रतिष्ठान यानी TDES और रक्षा विज्ञान संगठन DSO के साथ तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय यानी DDTP के समामेलन से किया गया था। DRDO तब 10 प्रतिष्ठानों या प्रयोगशालाओं वाला एक छोटा संगठन था।
डीआरडीओ ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में राष्ट्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़ निश्चय किया है, विशेषकर सैन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में। आज डीआरडीओ 50 से भी अधिक प्रयोगशालाओं वाला एक विस्तृत नेटवर्क है, जो विभिन्न विषयों को कवर करने वाली रक्षा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में लगे हुए हैं, जैसे कि वैमानिक, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, इंजीनियरिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, विशेष सामग्री, नौसेना प्रणाली, जीवन विज्ञान, प्रशिक्षण, सूचना प्रणाली और कृषि। मिसाइलों, आयुध और प्रकाश का मुकाबला करने वाले विमान, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आदि के विकास के लिए कई प्रमुख परियोजनाएं हाथ में हैं और ऐसी कई तकनीकों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां पहले ही हासिल की जा चुकी है। 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर। 1965 का भारत पाक युद्ध उन मुठभेड़ों का नाम है जो दोनों देशों के बीच अप्रैल 1965 से सितंबर 1965 के बीच हुई थी। इसे कश्मीर के दूसरे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर राज्य पर अधिकार के लिए बंटवारे के समय से ही विवाद चल रहा है। 1947 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच जो प्रथम युद्ध हुआ था वो भी कश्मीर के लिए ही हुआ था। 5 महीने तक चलने वाले इस युद्ध में दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए। इस युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के साथ हुआ था और ताशकंद में दोनों पक्षों में समझौता कर हुआ था। 1969 फॉर्मेशन ऑफ इसरो। 1962 में जब भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इंफोस्पार का गठन हुआ, तब भारत ने अंतरिक्ष में जाने का निर्णय लिया। कर्णधार एवं दरदृष्टा डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ इंफोस्पार ने ऊपरी वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए तिरुवनंतपुरम में धुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रमोचन केंद्र यानी टर्स की स्थापना की। इन वर्षों में इसरो ने आम जनता के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, अंतरिक्ष विज्ञान को लाने के लिए अपने ध्येय को सदा बनाए रखा है। इस प्रक्रिया में यह विश्व की छठी बृहत्तम अंतरिक्ष एजेंसी बन गया है। इसरो के पास संचार उपग्रह यानी इमसैट तथा सुदूर संवेदन यानी IRS उपग्रहों का बृहत्तम समूह है, जो द्रुत तथा विश्वसनीय संचार एवं भूप्रेक्षण की बढ़ती मांग को पूरा करता है। इसरो राष्ट्र के लिए उपयोग विशिष्ट उपग्रह उत्पाद एवं उपकरणों का विकास कर प्रदान करता है, जिसमें से कुछ इस प्रकार है: प्रसारण, संचार, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन उपकरण, भौगोलिक सूचना प्रणाली, मानचित्र कला, नौवहन, दूर चिकित्सा, समर्पित दूरस्थ शिक्षा संबंधी उपग्रह। बांग्लादेश की आजादी में भारत की भूमिका अहम रही थी। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने गुट निरपेक्ष आंदोलन से किनारा कर सोवियत संघ से हाथ मिला लिया था, जिसकी बुनियाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी और भारतीय विदेश नीति में काफी अहम समझा जाता रहा है। इसे इंदिरा गांधी के राजनीतिक करियर के महत्वपूर्ण फैसलों में गिना जाता है। पूर्वी पाकिस्तान जब आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, मुक्ति वाहिनी के प्रशिक्षण, आश्रय और हथियार जैसी जरूरतें भारत की मदद से ही पूरी हुई। भारत ने तब पूर्वी पाकिस्तान से लाखों की संख्या में आने वाले शरणार्थियों को आश्रय और भोजन भी मुहैया कराया था। एक स्वतंत्र बांग्लादेश के लिए पूरे भारत से सहज समर्थन मिल रहा था। बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा जैसे कई राज्यों ने भी बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समर्थन में अपने विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित किया था। भारत विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये देश हमेशा से लोगों के अधिकार और लोगों से उनके दायित्वों का निर्वहन करने की उम्मीद रखता है, परंतु 25 जून 1975 भारत के अलोकतांत्रिक इतिहास का सबसे पहला दिन था। इस दिन अलोकतांत्रिक मर्यादाओं की सारी रेखाओं को पार कर दिया गया था और देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी।
भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। ये भारत के इतिहास का सबसे काला पल था, जब भारत के न जाने कितने संपादक राजनेताओं को जबरन जेल में बंद कर दिया गया था। 1983 वो साल था जब भारत ने क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए वर्ल्ड कप जीता था। 25 जून 1983 को कपिल देव के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने उस वेस्टइंडीज टीम को हराया था जो पिछले कई दशकों से क्रिकेट की दुनिया पर राज करते आ रही थी। भारत 1983 से पहले वर्ल्ड कप में सिर्फ ईस्ट अफ्रीका से एक मैच जीता था। ऐसे में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप फाइनल में पिछले दो बार के विजेता कैरेबियन टीम को 43 रन से हराकर इंग्लैंड की सरजमी पर तिरंगा लहराया। वो युद्ध का आवाहन था, दुश्मन का आगाम था, बर्फ की चट्टान पर हुआ एक संग्राम था। 8 मई 1999 की घटना है, जब कुछ लगभग 5000 पाकिस्तानी सैनिक एवं जिहादियों ने भारत के शिरोमणि कश्मीर राज्य के कारगिल पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न किया था। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। पाकिस्तान के इस नापाक इरादों को ध्वस्त करने के लिए भारत के जवान एवं भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। यह ऑपरेशन लगभग 2 महीनों के करीब चला, जिसमें भारत के लगभग 500 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अर्जुन नय्यर, कैप्टन सौरभ कालिया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे एवं ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। भारत के सैनिकों एवं शहीदों के अदम्य साहस एवं पराक्रम का परिणाम ही है कि भारत ने 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों को परास्त कर कारगिल को उनके आधिपत्य से मुक्त कराया। चंद्रयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत द्वारा चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान था। इस अभियान के अंतर्गत एक मानव रहित यान को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया और यह 30 अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा। इसके पूर्व अमेरिका, रूस और जापान ही ऐसा करने में कामयाब हो सके थे। इसी डिवाइस ने चांद की सतह पर पानी की खोज की। ये इतनी बड़ी खोज थी कि अमेरिकी नासा ने भी पहले ही प्रयास में ये खोज करने के लिए भारत की पीठ थपथपाई थी। 2 अप्रैल 2011 का वो दिन भला कौन भूल सकता है, जब टीम इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को फाइनल में 6 विकेट से हराकर 28 साल बाद दूसरी बार वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया। भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और जहीर खान लगातार कमाल का प्रदर्शन करते आ रहे थे। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 79 गेंद पर 91 रन की नाबाद पारी खेली। नुवाद कुलशेखरा की गेंद पर उनका मारा विजयी छक्का आज भी सभी को याद है। वे फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, जबकि युवराज सिंह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। 24 सितंबर 2014 को भारत ने मंगलयान को पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में पहुंचाकर वो कर दिखाया जो आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने PSLV के माध्यम से इसे लॉन्च किया और इसी के साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने एक नया अध्याय लिख दिया। भारत से पहले अमेरिका, रूस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मंगल की कक्षा में प्रवेश कर चुके थे, किंतु भारत का अंतरिक्ष यान सबसे कम लागत में मंगल की कक्षा में पहुंचा। भारत से पहले चीन और जापान ने भी अभियान चलाया था, पर वे असफल रहे और भारत ये करने वाला एशिया का पहला देश बना। सितंबर 2016 को सुबह 5:30 में कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना का वेश धारण कर नियंत्रण रेखा पार कर भारत के उरी में घुस आए और सेना के ब्रिगेड मुख्यालय को अपना निशाना बनाया था। इस कायरतापूर्ण हमले में भारतीय सेना के 17 जवान शहीद हो गए और साथ ही 20 से 30 सेना के जवानों को गंभीर चोटें भी आई थी। जम गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। यह आग भारत सेना के जवानों में भी धधक रही थी। भारतीय सेना ने इस जघन्य हमले का जवाब करीब 11 दिन बाद यानी 29 सितंबर को पाकिस्तान में घुसकर उसके आतंकवादी शिविरों पर हमला बोल दिया। इसे हम ऑपरेशन बंदर और सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से भी जानते हैं। इस सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान के करीब 25 से 30 आतंकवादी का सफाया हो गया। विश्व के इतिहास में इस सर्जिकल स्ट्राइक को हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि इस स्ट्राइक में भारत के 150 जवान शामिल हुए थे, परंतु किसी भी जवान को किसी तरह के नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा था। 14 फरवरी 2019 का दिन भारत के इतिहास का एक काला दिन था। इस दिन कुछ आतंकवादियों एवं दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक जोरदार विस्फोट का अंजाम दिया था। इस विस्फोट की चपेट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 78 वाहनों का काफिला आ गया था और देश के 40 जवान की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। इस घटना के ठीक 2 हफ्ते बाद यानी 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने रात के अंधेरे में नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान के पूर्वोत्तर इलाके खैबर पख्तूनख्वा के शहर बालाकोट में जैश ए मोहम्मद नामक आतंकवादी संगठन के प्रशिक्षण शिविरों को नेस्तनाबूद कर दिया था। जम्मू कश्मीर राज्य, जिसे हम सब धरती का स्वर्ग भी मानते हैं, वह राज्य 2019 के पहले न जाने किन मानवीय आपदाओं एवं नरसंहार का केंद्र बना हुआ था। जम्मू कश्मीर कहने को तो भारत का अभिन्न अंग था, परंतु वहां भारत का संविधान की एक भी धाराएं काम नहीं करती थी और ना ही भारत के झंडे को उचित सम्मान दिया जाता था। कश्मीर, जहां ऋषि कश्यप ने अपने ज्ञान दीपों से समाज को प्रज्वलित करने का काम किया था, वहां ना जाने जिहादियों ने क्यों ने कितने अमानवीय घटनाओं को अंजाम दिया था। भारत का राज्य होने के बावजूद भी वहाँ भारतीयों को जमीन खरीदने एवं नौकरी करने का अधिकार नहीं हुआ करता था। सदियों से चलती आ रही कश्मीर की समस्या का निराकरण 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद में कानून लाकर भारत सरकार ने धारा 370 एवं धारा 35A को हमेशा हमेशा के लिए निरस्त कर दिया। 2020 का साल वह भला कौन भूल सकता है, जब कोरोना महामारी ने भारत में दस्तक दी थी। यह बीमारी पहले देखने में तो बहुत सहज लगती थी, परंतु समय के बढ़ते काल चक्र में यह बीमारी अपने रौद्र रूप में आ गई थी। 25 मार्च 2020 को भारत में लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी, परंतु इस लॉकडाउन को कुछ लोगों ने गंभीरता से पालन नहीं किया और इसी का परिणाम था कि भारत में भी यह महामारी अपनी पैर पसारना शुरू कर दी थी। इस महामारी के कारण भारत के
कई लोगों की जान चली गई और कई लोगों के रोजगार पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ा था। कोरोना के उस समय में भारत सरकार ने अपना निरंतर प्रयास जारी रखा और समय समय पर जनता के हित के लिए नए नए नीतियों को देश में लागू किया। सरकार ने भारत के 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा मुहैया कराई थी ताकि देश के लोगों को आम सुविधाओं की कमी ना हो सके। भारत के वैज्ञानिक भी इस बीमारी से निपटने के लिए वैक्सीन को तैयार करने में जुट गए थे और आखिरकार 2021 में उन्हें सफलता भी प्राप्त हो गई। भारत सरकार ने भी वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने में ज़रा भी देरी ना की और इसी का परिणाम है कि भारत ने अपने 200 करोड़ के टीकाकरण का आंकड़ा पार कर दिया था। भारत सरकार के अदम्य साहस और निरंतर प्रयास का ही परिणाम है कि हम कोरोना की चपेट से बाहर निकल रहे हैं और फिर से भारत अपनी विकास पटरी पर दौड़ना शुरू कर रहा है। 2021 का टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए एक ऐतिहासिक रहा। भारत ने इस बार कुल 7 मेडल जीते जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज रहे। यह ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। वहीं नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर भारत के लिए एथलीट में पहला मेडल जीता। इस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने देशवासियों के 41 साल के इंतज़ार को ख़त्म करते हुए एक और ओलंपिक पदक हासिल कर लिया। टीम को आखिरी पदक 1980 मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड के रूप में मिला था। इनके अलावा भारत के लिए मीराबाई चानू ने वुमेन्स 49 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग में सिल्वर, लवलीना बोरोगन ने वुमेन्स वेल्टर वेट में ब्रॉन्ज, पीवी सिंधु ने वुमेन्स सिंगल्स बैडमिंटन में ब्रॉन्ज, रवि दहिया ने मेंस 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में सिल्वर और बजरंग पुनिया ने मेंस 65 किलोग्राम रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीता। 15 अगस्त का दिन कहता है आज़ादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता है आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ ना पूरी है। भारत ने अपने आज़ादी के 75 सालों में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और कई चुनौतियों का भी सामना किया है। भारत ने हमेशा अपनी कुशलता का प्रमाण पूरी दुनिया को दिया है। जब जब कोई वैश्विक आपदा आई है तब तब भारत ने विश्व गुरु का कर्तव्य निभाया है। आज़ादी के बाद के वर्ष इस बात का प्रमाण है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक मजबूत और उज्जवल राष्ट्र का सपना देखा था जो हर आने वाले दिन के साथ साकार हो रहा है। आज़ादी के 75 साल और हम उनके सपने में जी रहे हैं। हम उनके बलिदानों को हमेशा याद रखने और मनाने का संकल्प लेते हैं।